दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस, आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो कई वीडियो में सिंपल स्टेप हैं आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो कई वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की डायलर पिन में जाना है। डायलर पिन में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है गाइस। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री बिंदी का, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो सेटिंग पे क्लिक कर देना। तो गाइस इस तरीके हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन देखने के लिए ऑप्शन जब हमें देखने को मिल जाता है, तो हमें सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी स्पैंच। तो इस ऑप्शन को हमें ऑन कर देना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में ऑफ ऑन तो गाइस इस तरीके से वेक आ जाते हैं। वेक आने के बाद यहाँ पर कॉल ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस अनकाउंट नंबर को आपको ये ऑप्शन खोलने से आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है, आपके जो कॉन्टैक्ट अनकाउंट नंबर है आपके, वो ब्लॉक हो जाएंगे। इससे आपको उससे ना कोई कॉल मिलेगी ना आपको ना कोई मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल ब्लॉक, अपने पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने ऐड नंबर पर क्लिक करना है और अपना पर्सनल नंबर डाल देना है जो भी आपको अपना ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से यहाँ से इसे ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद गाइस एक बार बैक आ जाते हैं पीछे। पीछे आने के बाद यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट, तो हम कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग। तो इस ऑप्शन को हम ऑन करने के आप अपने फ़ोन में अपनी वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन वीडियो कॉल। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ है तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है कॉल फॉरवर्ड। तो गाइस आप किसी नंबर की कॉल फॉरवर्ड अपने नंबर पर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉल वेटिंग, तो यहाँ से कॉल वेटिंग। तो गाइस हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन आया है डिस्प्ले ऑपरेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट वे पे क्लिक कर देना। तो गाइस आपके जो कॉन्टैक्ट है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम से शुरू हो या लास्ट नेम से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। तो गाइस एक बार फिर बैक कर देते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है नेवरी रिप्लेस, तो गाइस आपको इस ऑप्शन को अपने फ़ोन में ऑन कर देना है और फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को और मिल जाते हैं कुकी की रिस्पॉन्स, तो हम इस पर क्लिक कर देना। तो गाइस अगर आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है, आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना मैसेज भेज सकते हैं उसे यहाँ से, जैसे आपको ठीक लगे। तो गाइस दूसरा ऑप्शन आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपने रिंगटोन, मीडिया रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन, जो भी अपने फ़ोन में डायल पैड टोन जो भी आपको लगानी है, आप यहां से लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से एक बार बैक और आ जाते हैं और नीचे हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें एडवांस सेटिंग पर जाना है और सेटअप पर क्लिक कर देना। तो गाइस आपको जिससे वॉइस मेल भेजनी है, तो आपको उसका नंबर डाल देना है यहाँ पर, उसे यहाँ से वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस एक बार फिर बैक कर जाते हैं। बैक आने के बाद नीचे हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। तो गाइस हमारे ये ऑप्शन को ऑन होने के बाद क्या होता है कि आपका फ़ोन, अगर किसी व्यक्ति की अगर आपके पास फ़ोन आ रहा है तो कॉल आ रही है, आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन अपना फ़िलिप कर देंगे, तो आपके फ़ोन की जो रिंगटोन है खुद ब खुद बंद हो जाएगी और आपका फ़ोन आता रहेगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।